तो बात किस टाइम की के एक औरत के पति को बहुत दिन हो गए अपने घर आए और अपनी सखियों को अपने पति के बारे में एक बात के द्वारा किस तरह बिलाप करती हुई अपने पति को याद करती है और कभी ने किस तरह से कल्पना करी भला, ये याद सतावे ओ कदसियावे मने ओ तरसावे मरू मैं जिसकी याद में ये रसता न्यों क्यों कर पावे, ये याद सतावे ओ कदसियावे गया थे ले पतिया गति करी मेरी ओ लहू जड़ावे मरू मैं जिसकी याद में ये रसता न्यों क्यों कर पावे, ये याद सतावे ओ कदसियावे में दो अंडी बूढ़े सफर करने लाग रही है और इस माहौल के दोनों इकट्ठे रहे कितने भी जाना हो सारी बस की टिकट काट के भी कंडक्टर ने जो नसाना था एक खबे का हाथ लागे कहने लग गया कि तू टिकट जब मुंह फेर गया हाथ बोझ का मुंह फेर गया और बात नहीं करे ना आंख मिलावे इब कंडक्टर बोली ही मार गया कहे ले कोई बात ना हम तो नहीं सोचा जो काम की छोरी दे दिए इब दूसरे कहने भी हाथ करया इब दूसरा लखा के कड़वे चोर नूलिया भाई कोई बात ना काम की छोरी कहने दे दिए तो नहीं सोच लिए छोरी गलिया बटे हुई था टूटी जावे से नचे न पति बिन आवे से टूटी जावे से नचे न पति बिन आवे से एक दिसी छुट्टी आवेगा
क्या होया अंधेरा से बाहर क्यों सिर बैठा है मरूं मैं इसकी याद में ये रस तन्यों को कर पावे ये याद सतावे जसीगावे मने वो तरसावे मरूं मैं इसकी याद में ये रस तन्यों को कर पावे मरूं मैं इसकी याद में ये रस तन्यों को कर पावे बिना पानी सुनेगा कदिया के बाणी तड़फे मीन बिना पानी सुनेगा कदिया के बाणी ओम प्रकाश ना आया पड़े से नैना ते पानी रानी या उसकी बेटी बामले में बात मोटी ना ओटी जात वाई गाना ओ तड़पावे मरूं मैं किसकी याद में ये रास्ता क्यों क्यों कर पावे तो बात किस टाइम की के एक फौजी छुट्टी काट के अपने ड्यूटी बजाने लग गया तो उसके घराली बलात् करके और उसको बात के द्वारा क्या करने लगी भला हाथ जोड़ के करी सोपिया सुन ले मेरी बात हो इब के टाल करूं को न्या मैं चलूंगी तेरे साथ हो हाथ जोड़ के करी सोपिया सुन ले मेरी बात हो इबके तार करूं को मैं चलूंगी तेरे साथ हो पिया हो पिया हो
एक गांव में एक बुजुर्ग ने बुढ़े ने कम दिखता कम दिखता कम दिखता जमा कति दिखना बंद हो गया, जब बक नरंग अंधा हो गया। और ईसा होया कि एक बार थाली में धरके लड्डू पूरे गांव में बांटने ताई लकड़ लिया। इब घर घर जाके प्रसाद देना चाहे बांटता 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 एक घर में जा पहुंचा। जब आवाज दी रे भाई को घर ने से, तो एक नई भू नहाण लाग रही अपनी खाट अड़ा के नुबली हाँ दादा से ए नुबला भाई लियो यो प्रसाद सा। इबुआ बिरबानी नावत थी न्यू की न्यू खड़ी होके और दोनों हाथ लफा के नुबली लिया दादा हाथ लफा लफू के न्यू पूछने लगी दादा आज क्या क्या नाम के बाट है। नुबला मन आंख बनवाई से भी दिखने लग गया। पानी लेने के लिए जाती हैं तो आपस में चर्चा करती हैं और अपने अपने पतियों के बारे में वर्णन करती हैं और पतियों वाला वर्णन छोड़ के फिर सपने की कहानी पर आ जाती हो और सपने की कहानी कहती है कि मेरे को कैसा सपना आया, मेरे को कैसा सपना आया। और एक कहने लगी बेबे मेरे को ऐसा सपना आया कि मैं तुमको बताऊंगी तो तुम्हारे सभी सपने फीके पड़ जाएंगे। एक बात के द्वारा अपने सपने की कहानी अपनी सखियों को क्या बताने लगी भला। हे होगी सपने के मैं धोली हे भरली हे कस कई उसने कोड़ी मैं तो बाजी ओड़ी सोड़ी घड़ी आन हे मैंने हे बाजी ओड़ी सोड़ी घड़ी आन हे होगी सपने के
छोटी ये आने सराने बैठ गया मेरी कस के पकड़ी छोटी मैं लोटी थी बैरी आने चढ़ा ये खोट बनिया यो घना बड़ा मैं लुटकी सादी बोली वो दी सपने के मैं दौड़ी परली कस के उसने फोड़ी मैं तो बाजी ओड़ी सोड़ी ऐसा सपना तो मेरे को 20 साल की उम्र में कभी नहीं आया और दूसरी बात में कैसे बताया ये पकड़ कलाई बैठी कर ली कोन्या पार बसाई ये सहज सहज बतड़ा कहने वो लग्या करने अंगाई है खाई चोटी के जोशी बढ़िया बैरी आगे आने पड़िया फिर पाड़े दई मेरी जोड़ी होगी सपने के मैं थोड़ी परली कस के उसने थोड़ी होगी गात में एक पैर तक बतलाई ये पहली मुलाकात में हे साथ में गई जब काम बनया तन के ऊपर नूर चढ़िया मेरे लगी इसक की गोड़ी होगी अपने के मैं गोड़ी पर केक का बाबू बड़ी उम्र का हो रहा था और वो कोड्डा हो गया घना लंबा था कोड्डा हो गया लाठी के सारे पे और कोड्डा कोड्डा चल रहे जब वो एक कण लग गया रे भाई तेरा बाबू कोड्डा चलन लग गया बोले हाँ यू बोले घना कोड्डा हो गया बोले यो कोड्डा कौन है होता उसके लड़के तो कहने लग गया एक जना जब वो लड़का उसका कहने लग गया उस जवाब देने लग गया बोलिया भाई मेरा बाबू कोड्डा ना होता है तो चल तो शुद्ध आए हैं मेरी माँ ने छह भिन्ने हो गए मरी ने अरे मेरे बाबू का जीना लगता वो मेरी माँ घड़ी आ जाओ इसके तो जब कोडा कोडा क्यों चल रहे जब बोलिया अरे बोले कोडा ना चलता यो मेरा बाबू से ने मेरी माँ की पेड़ देखे से सारी मके शरमाऊं के समझाऊं बात घनी वान्यारी हे भारी भरे के में जबरे धड़ा रात घना मेरे सब चढ़िया दई गाल मांग में रोड़ी होगी सपने के मैं थोड़ी भरी
जानकी के पद्मावत की सगी सहेली उस पद्मावत को बागों में ले जाने के लिए पुकारती हैं और बार बार उसको आवाज देती हैं कि चालो परदेशी बाग में आया हुआ है जिसकी मारी तू बिल क्या करती, और रोजाना तरह से बार बार बिलाप करती रहा करती, और एक बात के द्वारा उसकी सखियां उस पद्मावत को क्या बताने लगी बोला। बोली है जिसकी मारी रोया करती है, जिसकी मारी रोया करती रात जन्ना सोया करती, साल में ला दू हे तुम लगे काट लिए मन की हे छोरी ये काट लिए मन की हे, जिसकी मारी रोया करती रात जन्ना सोया करती साल में ला दू तू
पाछे कदे मन टोवे टक्कर मार जिंदगी खोवे पाछे कदे मन टोवे टक्कर मार जिंदगी खोवे जदी तू बचपन की हे छोरी ये काट लिए मन की हे छोरी ये काट लिए मन की जिसकी मारी रोया कट्टी रात ना सोया कट्टी चार में लाजू है कैसे तू चौकस वीर का गाँव तेरे फूट रहा जरी तीर का जरी तीर का जरी तीर का वीर का प्यासा टूट रही आसा वीर का प्यासा टूट रही आसा जानगी मेरी बाप तू पाछ रोली बाबलिए ना
देख देख हाल का बोल जी बाबा जी और छुपाए थे आस का रोग ना लगाए ते लग किस किस ने यो हाल किया बोल बोल के शहर भरती और जरूर बाबा से गई मैं देख के न हंसा पहचान की मैं पस गई मैं पहचान गई मैं बने खोटी बात ना छोटी बने खोटी बात ना छोटी बाबा बाप तू पाछे रोले बाबा बोलिए देद ने बोले साल के डार तू पाछे रोलिए ओ बाबा बोलिए सताया दिख से टोहन 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 खतर आया दिख से पानी का बहाना बाबा चल लेना तेरा याद रहे जो सकेरी बोलियो मेरा माड़ी 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 खत्ता मार कौन से कहदे 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 बाबा यार कौन से देख लिए नजरा में दे यो दा तेरा पड़े बुद्धे ता जे बेना बाबा जावेगा कड़े जावेगा कड़े जावेगा कड़े जब काड़ी वो बात को डाड़ी लड़े जब काड़ी वो बात को डाड़ी नहीं झाड़ा रहता तो पैरो खोटी तीर प्यार की पन्नी पन्नी नहीं हो तलवार की काट के न टुकड़िया शरीर की जगह जग लिए तू किसी के राम राम रखे पानी में कोन्या कोन्या फाद्या दखाने में तुम पर का सुरु पास रहा बामड़े में सदा न रहेगा ना पास रहा ना पास रहा चला जाता है अपनी घरवाली को लेने के लिए ठीक दो महीने पहले से हुई थी जो उसकी घरवाली थी वो थोड़ी देर में नादान थी तो उसकी स्वीकार कर देती है लेकिन वो लेने के करता रहा कि सासुरी घरवाली को लेकर के जाऊंगा और उसकी सासू कहने लगी बेटा कोई मैं सिनेमा खुआ पिला के दूंगी और फिर ले जाना ठीक है कोई बात नहीं है ब्याह दिया तेरी इसे लेकिन आया था देद पड़ रहा मैं लेकूंगा मूल टाड़ने करूँ सासू जी चाहे एक वक्त सब है खड़ा होगा एक बात क्या उसकी सासू जी उसको क्या बताने लगी बोला ओ मान जा ते उ अड़े लतन्या लावन्या ओ मान ते उ अड़े लावे मतन्या अड़े लावतन्या क्या छोरी से घणी अड़ी तन पड़गी साफ पता लेके जाव मतन्या जब ते उ अड़े लावे मतन्या लावे मतन्या ओ मान बटे उ अड़े लावे मतन्या क्या छोरी से घणी अड़ी तन पड़गी साफ पता लेके जातन्या मान जा बटे उ थोड़े दिन
की बात बेटा जिंदगी भर का साथ से, जिंदगी भर का साथ से, यानी छोरी गालू क्यूकर भरिया नहीं गात से, भरिया नहीं गात से, मान जा कहे की बेटा लाश तेरे हाथ से, लाश तेरे हाथ से। ओ चोर के मजोरे तोड़े वावे
बोले थी मीठी बोले थी और बाज से लड़े थे रजबवा घूंघट खोले थी घूंघट खोले थी एर छोल की जगरे न छोल की जगरे न हो गया शरू बात दिया जाएगी मड़ी मड़ी क्या होया कि एक बहुत काला था इतना काला कितना काला के जुनु जो हट्टे का पाछा है अरे डाकी रोज जाए नाई की दुकान में अच्छा तेल लावे अच्छी सेव करवावे एक आध बकरी उन्हें भी गालना पड़ के फेर ले और फेर फेर के सारा काम कंप्लीट कर कर शिष्य में लखा के और आखिरी में न्यू कह उल्टा बोर्ड ले ले भी सूरत को भी कभी काल खा जाएगा। एक दिन ईसा होया के अपने भाई बालक सिंह वर्गा भी उसके पाछे पाछे बढ़ लिया और उसकी तो वो है रामायण तेल त्याल ला के अर्के में तो समड़ी घनी भूरी अर्के में तेल ला लिया काली नाक बरगा होगा कती और चलते ना कहे ले भी कभी सूरत को भी काल खा जाएगा। बालक सिंह भाई तो पाछे खड़िया सुने था मैं लगा काल भी कती अगू खाना चाहिए जिन्हें खा गया थे मैं नहीं कहे
नहीं पाया, कुछ नहीं पाया। और बामड़े में आया, बामड़े में आया, मेरा कसूर हट ले रह दूर तना करूं। सपन देखी मने एक आए के एक बटे वो अपनी ससुराल चला जाता है, तो ससुराल में जाकर के उसकी साड़ी सप्ती चौगिरदे घूमती हुई नजर आई और तरह तरह के अपने जीजा से मजाक करती हैं। तो उनमें एक नई बहू घूंघट करके हो ला करके और एकदम अपने घूंघट मार के और उस बटे वो की तरफ इस तरह से आंख का फटकारा मारगी और उस आंख के फटकारे में वो घायल हो जाता है। तो जब वो ससुराल से वापस आया अपने घर, तो अपने दोस्तों के सामने एक बात के द्वारा उस बहू के बारे में क्या बताने लगा भला? हेरे ऊरे नई टोली में मन लूटेगी तेन धोली में, घूंघट ठाके आँख मारगी मैं, वो बैठा था पोली में। छाती बरमा बहुत ही करमा आड़े की, बोट पेलाती चले बड़खाती साल चले थी वसाड़े की। हो जोबन में भरपूर ऊर जनू वो बारूद से गोली में, ऊर नई टोली में मन लुटगी दन धोली। आती जाती हसीरी थी, आया पसीना भिगा नगीना बोटी वा करड़ी कसीरी थी। ओ, 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 ओ कसरी थी किसा बाजू बंधवा बाजू से सोई में, उर नई टोली में मन लुट गी जन थोड़ी। अपने हिंदुस्तान में अंग्रेज आ गया, वो आधा हिंदुस्तान में और आधा विदेश में अंग्रेज हिंदी भी जाने इंग्लिश भी दोनों काम। ईसा सूत बैठे सामने ते एक 7 फुट का लंबा ठाड आदमी, बड़ी बड़ी मुछ लोग बड़ी बड़ी मुछा का लोग आ गया 7 फुट का भाई बालक सिंह जी सा लंबा ठाडा। और तो मुछ कई डाल की आ गए ना, 3-4 डाल की लटकमा फुंदेदार जाबेदार और लटकमा फुंदेदार नीचन ठोडी ताई। अरे कई तेजियों से डड्डी की भी मुछ बना ले हैं,
जो कर गोड्डे ताई का कच्छे का पजामा बना ले न्यू। और कांग्रेस कहने लग गया, अरे वाट मैन, बोले हिज माई मैन। वो भी याद भी खबड़ोड़ी अंग्रेजी जाना करता। बोले हाँ भाई बोल के क्या था? नुला ये दो गे। उन्होंने सोचा बेना के मांगे है? नुला के, नुला ये लंबे वाली, नुला लंबे वाली। उसने मुछा का ना गुट्ठा फेरे, हाथ फेरिया, मरा बटा मूछ मांगे। मर्द की ये मूछ हो है, यह निशानी मर्द की, यह मांग ली। नुला ने उन्हें दिया करते पैसे लगते हैं पैसे। नुला वाटमैन कितने पैसे? नुला एक तरफ के 100 रुपये। नुला ठीक है काट के 200 रुपये पकड़ा दिए। बोला भाई मेरे को मूछ दो। नुला राछ ले रहे हो काटने का? नुला नहीं। तो बोला कि मैं कैंची उस तरह नेरना के बत्ती पत्ती के मैं दरा दरुद के ले रहा है। नुला नहीं। तो बोला इधर ते नाई की दुकान इन्होंने मांग लिया, एक जरूरी कैंची मांग लिया। और लेकर कैंची 7 फुटे आदमी ने अपने हरियाणा वाले मोलड़ में और 4 अंगूठे काट कर शर्म दे दिए अंग्रेज ताई। 4 अंगूठे काट के शर्म दे दिए। नुमला रे ये तो क्या किया भाई? सौदा तो इनका है मुछों का, जो लंबे वाले इनका। आपने कहां से दिया ये? नला ये तो हमारा शोरूम है, माल तो हम गोदाम से देते हैं। झलरियाड़ा दिल था काड़ा गाल पे करूं गोरना चल जोर था मोर छप्या उनके शाल पे। ओ, 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 ओ लाल सूट में नू दम के जनू या आग लगी होली में उड़ नई टोड़ी में मन से इसकी जोट का खेड़ी पाना कवि मर्दाना जख्म से इनकी चोट का। ओ, 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 ओ आंखें मीच के आनंद लिए या सुरेश की कोई